किटीज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि एक ब्रेसलेट कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ सबसे पहले हम लेंगे एक इलास्टिक थ्रेड। तो चलिए अब हम इलास्टिक थ्रेड को ले लेते हैं। तो मैंने रखी इतनी लेंथ है, अब हम इसको करेंगे कट। सो ये हमने एक थ्रेड अब काट लिया है। अब हम इसको एक नॉट टाई करेंगे। एक नहीं, हमें करनी है 4 नॉट्स टाई। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो गई 1 एंड ऐसे ही हमें 4 नॉट्स टाई करनी है। 4 नॉट्स टाई करनी है हमें ऐसे ही। सो ओके, तो ये हो गया 4 नॉट्स टाई। तो जो आज का ब्रेसलेट का जो कलर थीम है, मतलब जो हम स्टोन्स आज यूज़ करने वाले हैं, सभी बीड्स वगैरह, कोरियन बीड्स वगैरह, तो वो सब का कलर थीम होगा ग्रीन आज का। एंड लेट्स स्टार्ट। तो थ्रेड को रख देते हैं यहाँ पर। ओके लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने लिए हैं कोरियन बीड्स। तो कोरियन बीड में से मुझे सबसे पहले चाहिए पिस्ता कलर, जो ग्रीन के शेड्स में ही आ जाता है। अब हम ऐसे और लेंगे। तब मैंने ले लिए हैं पिस्ता बीज है, अब मैं थोड़े से लूँगी बेबी पिंक। सिर्फ हम ग्रीन कलर ही नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा सा और, लेकिन जो मेन कलर होगा वो होगा हमारा ग्रीन, जो मेन थीम है। तो ऐसे हम अभी बेबी पिंक सेम शेप में एंड सेम स्टाइल के बीज में हम ले लेंगे बेबी पिंक बीज। जितने पिस्ता लिए हैं उतने ही बेबी पिंक ले लेंगे। तो मैंने सेम जितने मैंने पिस्ता लिए थे उतने बेबी पिंक बीड्स ले लिए हैं। तो अब मैं लूँगी कावली बीड्स। तो कावली बीड्स में मेरे पास 2 स्टाइल्स हैं, एक तो है ये वाला एंड एक तो है ये बड़े वाला। तो मैं दोनों स्टाइल्स को यूज़ कर रही हूँ। ये हमें चाहिए 2 एंड उसके बाद ये, इसके बाद चाहिए हमें लिटिल लिटिल हार्ट्स। ये भी ग्रीन कलर के मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इनका काम खत्म है। अब ये वाले, जिनमें से मैं ये वाले सी ग्रीन कलर के जो हैं, ये भी ग्रीन की फॉर्म में आ जाता है। तो मैं ये वाले बीड्स को यूज़ करूँगी स्मॉल स्मॉल। तो थोड़े से हम ये भी ले लेंगे बहुत सारे। तो मैंने सी ग्रीन बीड्स ले लिए हैं। अभी ऐसे सेम स्टाइल में हम ले लेंगे ग्रे बीड्स, ग्रे कलर के। तो मैंने ग्रे कलर के बीड्स भी ले लिए हैं एंड अब मैं ले लूँगी इन कावली बीड्स में, सॉरी कोरियन बीड में से एक ग्रीन कलर का बिग हार्ट। एंड अब जस्ट स्टार्ट, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास बीड्स, हम ये वाले बीड्स को यूज़ कर कब बनाएंगे ग्रीन कलर थीम का ब्रेसलेट। वैसे तो थोड़ा सा मिक्स हो गया, लेकिन ज़्यादातर हमारा ग्रीन ही यूज हुए हैं बीड्स सारे। सो ये रहा हमारा इलास्टिक थ्रेड, ये रहा हमारी स्टार्ट। सो सबसे पहले हम डालेंगे ये ग्रे कलर के बीड्स। तो हम इनको डालेंगे सिर्फ एक ग्रे कलर का बीड डालेंगे एंड उसके बाद एक ही सी ग्रीन कलर का बीड डालेंगे। एंड उसके बाद हम लेंगे ये वाला पिस्ता कलर का एक बीड एंड उसके बाद हम ले लेंगे ऐसा सी ग्रीन कलर का बीड। और उसके बाद ले लेंगे हम बेबी पिंक कलर का बीड। एंड ऐसे ही हम सी ग्रीन कलर का बीड डालेंगे एंड फिर से डाल देंगे पिस्ता कलर का बीड। तो सी ऐसे पैटर्न बन गया एंड अब हम उसके बाद डालेंगे ये वाला बीड।
आई थिंक हमने ये पेड़ निकाल तो लिया, आई थिंक आज ये वैसे यूज़ नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन आई थिंक हो जाए, क्या पता, शायद ना हो, पता नहीं है। सो उसके बाद हम ले लेंगे ये वाला स्मॉल हार्ट। स्मॉल हार्ट इंसर्ट करने के बाद हम ये वाला पैटर्न करेंगे सारे में, ये वाला पिस्ता, सी ग्रीन, बेबी पिंक, सी ग्रीन एंड पिस्ता, ये वाला पैटर्न हम इसमें फॉलो कर देंगे। सो लेट्स फॉलो। ओके, तो मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया यहाँ पर 2 times। सो ये हो गया इतना एंड ये हो गया इतना, ठीक है। तो मैंने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया है एंड अब हम यहाँ पर एक डालेंगे ग्रे कलर का बीड। एंड उसके बाद हम डाल देंगे ये वाला बिग हार्ट। एंड उसके बाद ये सारा पैटर्न हम इस थ्रेड में फॉलो करेंगे, ये वाला सारा पैटर्न, ये पूरा पैटर्न अब हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाले बीड्स नहीं यूज होंगे, तो ये वाले बीड्स नहीं यूज हुए हैं। ओके, सब मैंने ये वाला पैटर्न यहाँ पर कर दिया है फॉलो एंड अब हम करेंगे यहाँ पर एक नॉट टाई। एंड ये जो नॉट है यहाँ पर, ये बीच में ना आए, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर फिर नॉट टाई करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे हम इसको 3 times नॉट टाई कर देंगे। नाउ 3 times जो है वो नॉट टाई हो चुकी है एंड अब हम इस थ्रेड को कर देंगे कट। सो ये तो हो गई है कट एंड हमारा ब्रेसलेट हो गया है रेडी। सो अगर आपको मेरा ब्रेसलेट अच्छा लगा सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड इस ब्रेसलेट को यूज़ ज़रूर ट्राई करना बनाकर, बहुत अच्छा बनेगा। बाय बाय।